वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। आपने मुझसे तबले तकलीम समाप्त की हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी इस्माइल साहब तबला की, बहुत ही अच्छी तकरीरें आपने समाप्त किया। तारीफ के हवाले से, आला हजरत के हवाले से इन्होंने कहा कि अपनी औलादों के दिलों में आला हजरत की मोहब्बत डाल दो, बदअकीदे हावी नहीं हो पाए। और याद रखें, अभी मुझसे कबल शायरे इस्लाम हम दोनों हम सफर साहबान ने कहा कि हमारे लिए आला हजरत के फतवा ही काफी है। आज चाहे दुनिया वाले जितना रिसर्च कर ले, जितनी किताबें लिख ले, हमें किसी की तहकीक की जरूरत नहीं है। हमारी जबानों पे तो हो नाम तो आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद, और इस दौर में ताजी शरिया जिंदा। लेकिन आइए जहन करीब कर, मैं कर रहा था वही रब है जिसने तुझको, मैं कम वक्तों में कोशिश करूंगा कि ज्यादा बात आप तक पहुंचाऊं। हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। आप दुनिया में इंसान, कोई किसी अमीर के पास अपनी हथेलियों को फैलाता है, कोई किसी ताजवरों के पास फैलाता है, लेकिन मेरे इमाम ने ईमान को भी बचाया है, अकीदे को भी बचाया है। मेरे इमाम को सब नान पारा के बाली के शान में कसीदा लिखने के लिए कहा गया, तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि दुनिया में कोई किसी तहसीलदार का बनता है, कोई किसी थानेदार का बनता है, लेकिन अहमद रजा का ये अकीदा है कि वो आमना के लाल का बनता है। मेरे इमाम फरमाते हैं अहमद है दुआ रजा, और इस बना में नहीं बना, मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पाए। आला हजरत के नाम का जलसा पूरी दुनिया में बज रहा है। आज जो आप याद कर रहे हैं ये भी आला हजरत के देव में बोले। मैं अच्छा आहिस्ता आप तक कुछ बातें पहुंचाता हूँ। आला आला आज आला हजरत हम क्यों करते हैं? हजरत ने बताया तारीफ के हवाले, लेकिन मैं कुछ जुमले देता हूँ। आला हजरत ने ईमान को बचाया। अगर आज आला हजरत नहीं होते तो न जाने क्या हो गया होगा। लेकिन आला हजरत के जो कारनामे हैं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। बड़े बड़े साइंसदान रिसर्च करते हैं कि आला हजरत तो किताब की एक मशीन थी, किताब छापने की एक मशीन का नाम आला हजरत है। 1400 से शायद किताबें आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत के घराने में एक पोता पैदा हुआ जिधे जिधे दुनिया अल्लामा ताबी शरीयत के नाम से याद करती है। आज पूरी दुनिया में एक मीनारा है, बस्ती बस्ती दरिया दरिया, चाहे हमारे हो या खैर वाले हो, वो भी मानता है कि अख्तर रजा एक आम शख्स का नाम नहीं बल्कि अपने वक्त का यूनिवर्सिटी का नाम ताबी शरिया। लेकिन देखें आला हजरत तो हम मानते क्यों हैं? देखिए दीनों मिला नाम आज पूरी दुनिया में, चाहे वो अरब ममालिक हो या यूरोप की सरजमीन हो, पूरी दुनिया में कल लोग आला हजरत के नाम के जलसे बनाएंगे, आला हजरत के नाम के सारे सवाब करेंगे। क्यों? इसलिए कि जिस दीन का जंगे बदर में सहाबा ने बचाया था, जिस दीन का जंगे अहद में सहाबा किराम ने फैलाया था, जिस दीन का हिंदुस्तान में रहीम नवाज ने फैलाया था, जब जो भी जमीन में
इस बस्ती पर रहमत हो इस बस्ती पर इस बस्ती पर इस बस्ती पर नारे तकबीर नारे रिसालत। आज जो मजारों पे हम जाते हैं ये भी आला हजरत का सदका है, बोलिए सुभान अल्लाह। बाप की कब्रों पे जाते हैं ये भी आला हजरत का सदका है, इसीलिए औलाद के दिलों में आला हजरत की मोहब्बत डाल दे ताकि आप ये कब्र पे जाएं। जाने के बाद एक दिन हर एक को जाना है, जब कोई बोले ये शिर्क है तो बोले आला हजरत का अगर दीवाना होगा मुंह तोड़ जवाब देगा। आज हम जाते हैं मजारात पे, कब्रों पे जाते हैं, लेकिन औरतें भी जाती हैं। औरतों के लिए आला हजरत ने हराम लिखा है, औरतों को नहीं जाना चाहिए। मर्द जाए कैसे जाए आला हजरत ने ये भी तरीका बता दिया है। लेकिन आइए सुनिए, हम जो मजारात पर जाते हैं आज कुछ लोग एतराज करते हैं, ये सुनने परे भी सवाद मुसलमान मजारात पे जाता है ये हराम ये शिर्क के भीतर बकवास करता है। आपके पीएमओ पर भी सुना होगा या उनकी जो जहाँ पे तबलीगी जमात वाले जहाँ होते हैं वो लोग गली गली ये पैगाम भी देता है ये हराम है ये शिर्क है ये बिदा है। कुछ लोग सऊदीया गया वहां से सीखा आया तबलीगियों के चक्कर में 44 दिन पड़ गया यहाँ के बोला हराम है। लेकिन आइए जन करीब करें, चाहे वो वहां भी हो या चाहे कोई हो, जब हाथ पे जाता है जैसे मक्का से मदीना की जानी भरा दवा होता है अपनी सफर शुरू करता है, जब जंग रोहत के मैदान में जाता है जंग रोहत के उस मैदान में जाता है जहाँ पे 72 रुकों से तुलसिया 12 आयत के मुख्तलिफ 73 रुकों से तुलसिया का मजार मुबारक है। जितने हाजी हो वहाँ जरूर जाते हैं, वहाँ भी जाके वहाँ फातिया पड़ता है और रोता है मैंने कितनों को टोक दिया, मैंने कहा तुम तो हराम कर दिया, लेकिन यहाँ भी तो मजार है, यहाँ भी 72 और 73 बड़ा आयत के मुख्तलिफ साहब है कि हम के मजार के मजार मुबारक है, यहाँ क्यों पढ़ रहे हो यहाँ क्यों रो रहे हो? तो जवाब उसके पास नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ बोलता वहाँ जाकर के पढ़ता है, खुद मस्जिद नबी में जाकर के नबी करीम के रोजे पर फातिहा भी पढ़ता है, वहाँ पर दुआ भी करे। हम सुन्नी जो पढ़ते हैं